से आचार संहिता लग गई है, सब सभी पार्टियां अपने अपने काम में लग गई है। 22 से उमेश राम जी पिछली बार 2 नंबर पे थे, काफी लोगों ने इनको वोट दिया, इस बार भी काफी उत्साह दिख रहा है। आज हम आए हुए लापुंद्रा में, काफी जनसमूह है। उमेश राम जी आप घासा 24 में स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपकी पार्टी का मेन एजेंडा क्या क्या रहेगा, किस आधार पे आप लोगों से वोट मांगोगे? सर बिल्कुल, हमारा मेन एजेंडा यही है कि जो राजस्थान के अंदर भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कैसे बने, इस और हमारा प्रयास रहेगा टोल मुक्त राजस्थान, सस्ती किसानों को सस्ती बिजली, बेरोजगारों को रोजगार, किसान के खेत तक पानी कैसे पहुंचे, बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, नए उद्योग राजस्थान के अंदर कैसे लगे, इन सभी मुद्दों को लेकर हमारी प्राथमिकता रहेगी। और मेन हमारा फोकस रहेगा शिक्षा के ऊपर, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सब बढ़िया कैसे हो, उसके ऊपर पूरा हमारा फोकस रहेगा। डिजिटल एजुकेशन हो, स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूलों के अंदर अध्यापकों की जो कमियां हैं वो भर्तियां निकाल के उनको सबसे पहले पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य की, सड़क की, बिजली की, पानी की जो मूलभूत सुविधा है उनके ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। मूलभूत सुविधा ही आदमी की सब कुछ होती है, जब मूलभूत सुविधा मिल जाएगी तो बाकी वाला काम तो वो अपने आप कर लेंगे। बिल्कुल यही है मूलभूत सुविधा। अब सरकार से क्या आम आदमी की इच्छा होती है, आशा होती है, अपेक्षा होती है कि सरकार हमारी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करे, बाकी तो लोग अपने आप सक्षम और अपने आप कमाएंगे खाएंगे तभी परिवार चलेगा। सरकारों का दायित्व यही होता है कि कानून व्यवस्था बढ़िया हो और मूलभूत सुविधाएं अच्छी हो। इस कदम में आरएलपी पार्टी बिल्कुल पूरा प्रयास करेगी। अगर राजस्थान के नेताओं के अंदर विजन होता तो यहाँ नए उद्योग लगते, यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए दूसरे प्रांतों के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, साउथ के गुजरात वगैरह नहीं जाना पड़ता। तो हमारा यही प्रयास रहेगा। हनुमान जी के दिमाग में एक विजन है नए राजस्थान का निर्माण, वो हमेशा भाषण में भी बोलते हैं, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, और नए राजस्थान युवाओं और जवानों के सपनों का, किसानों के सपनों के राजस्थान का निर्माण कैसे हो, उस कदम में हमारा बेहतर प्रयास रहेगा। सर बजरी को लेकर कभी आपने धरना दिया था, बजरी वास्तव में आपके पास सही है, एक आज से 5-7 साल पहले जो 10-11 हजार में आती थी, आज वही बजरी 21-25 हजार में आ रही। सर देखिए, सरकार जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया, खूब बर्बाद किया। पिछले 6-8 महीने से आप देखते हो ऐसी कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं, ऐसी कोई सरकारी बस नहीं, ऐसी कोई सरकारी संपत्ति नहीं जहां पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर नहीं लगे हो, महंगाई राहत कैंप, महंगाई ये, महंगाई वो। पर महंगाई कम करने के कदम में बिल्कुल काम नहीं किया इन्होंने, अपना प्रचार प्रसार किया, योजनाओं के बारे में प्रचार किया, लेकिन उन योजनाओं को ना तो लागू किया, खाली लोगों को गुमराह करने का काम किया। देखिए बजरी अगर महंगाई सस्ती, महंगाई के अंदर राहत देनी होती तो बजरी सस्ती करते, पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करते, और भी जो पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, उनके ऊपर फोकस करते, लेकिन उन्होंने खाली प्रचार प्रसार के अलावा कुछ नहीं किया। बिजली के अंदर दिखावा जरूर किया, 4 महीने रीडिंग नहीं ली, 5 महीने 15 हजार का बिल थमा दिया, और तो और बिजली में भी ये सस्ती करके इन्होंने बिजली कंपनियों की कमाई बढ़वा दी। वो कैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में बड़े कनेक्शन थे, जो कॉमर्शियल कनेक्शन है, दुकानों के है और इंडस्ट्रीज के है, उनके अंदर रेट डेढ़ गुणा कर दी। पहले जिसका बिल 1 लाख आता था उनका 1.5-2 लाख आ रहा है, और किसानों की जो घरेलू कनेक्शन थे वो 200 यूनिट की 100 यूनिट की जो घोषणा की है ना, उसमें क्या 4-5 महीने तो बिल नहीं देते, 5-6 महीने पूरी रीडिंग है लिख कर वो कहता आपकी 200 से ज्यादा रीडिंग आ गई। अब 4 महीने आप रीडिंग लोगे ही नहीं, 0-0 लिख दोगे या मिनिमम 50-50 या 20-20 यूनिट लिखोगे, और 1 महीने में एकदम से कैसे बिजली बढ़ गई। तो ये इन लोगों को गुमराह करने का इनका काम है कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। इन्होंने क्या किया, एक अच्छी आईटी कंपनी वालों को हायर किया, और लो पब्लिक का माइंड वॉश कैसे करें, अच्छे माइंड वॉश करने वालों को वहां बिठा दिया, और इनकी यही मकसद है कि हमारी सरकार रिपीट हो और लोगों को गुमराह करके करें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि जनता सब समझदार है और इनके जो जुमलेबाजी से पूरी समझ चुकी है, और इनकी जुमलेबाजी चलेगी नहीं, जनता इस बार आरएलपी को सपोर्ट करेगी पूरे राजस्थान के अंदर। बाड़मेर के अंदर तो है ही है, लेकिन बाड़मेर के साथ साथ पश्चिम राजस्थान सहित पूरे राजस्थान की जनता ने आरएलपी को सपोर्ट करने का मन बना लिया है। इस बार आपको कितनी उम्मीद लगती है कि राजस्थान में आरएलपी की सीट आएगी?
अब देखो वो तो जनता का मन है और क्या समीकरण बैठते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना आपको दावे के साथ कहते हैं कि आरएलपी के बिना किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। बाड़मेर एक सीमावर्ती क्षेत्र है, थार एरिया है, इस बार अकाल पड़ा है, अकाल के कारण किसानों को सरकार क्या राह दे, उसके लिए सर आप क्या करोगे? सर देखिए, किसानों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने तो गुमराह किया किसानों को, कोई राहत दी नहीं। अगर हमारी सरकार आती है तो सरकार किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। सर अपना सब कुछ रीढ़ की हड्डी मानी जाए तो ये किसान ही है सर। बिल्कुल, किसानों के लिए सबसे पहले किसानों का कर्जा पूरा माफ किया जाएगा। जिस प्रकार धन्ना सेठों का कर्जा 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ माफ हो सकता है, कई बड़े ग्रुपों का हो सकता है, तो किसानों के ऊपर बड़ा मन रख के अगर सरकार 50,000 या 1 लाख रुपए बिल्कुल इतना ही होगा और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और किसान खुशहाल कैसे हो, किसान समृद्ध कैसे हो, उस कदम में पूरा प्रयत्न किया जाएगा। किसानों को सस्ती दर पर बिजली या फ्री में बिजली और किसानों के खेत तक पानी कैसे आए, चाहे भूमिगत स्रोत हो चाहे नहर का हो। और लोगों ने बातें की, अब बीजेपी की बात करें तो पिछले 10 साल से राज्य में है और कह रहे थे कि हम नदियों से नदियों को जोड़ देंगे। आप ही बताओ कोई नदी जोड़ी है? मेरे हिसाब से तो कोई नदी नहीं जुड़ी। अब उल्टा इधर का अपना पश्चिम राजस्थान का पानी जो गुजरात के रास्ते से होकर समुद्र में खंभात खाड़ी में जाके गिर रहा है, अगर उसके लिए एक आध प्लान बना लेते तो अपनी लूनी नदी को नहर बना के इसको किसानों को खुशहाल किया जा सकता था। और ईस्टर्न कैनाल योजना की बड़ी स्कीम चल रही है, वो पानी बर्बाद होकर व्यर्थ में समुद्र के अंदर जा रहा है, गिर रहा है, कस की खाड़ी में जाके गिर रहा है। तो अगर सरकारों की नीति सही होती तो विकास हो सकता था, लेकिन इनकी खाली गुमराह करना है, खाली बातें करनी है, हवा हवाई बातें हैं, और देशभक्ति के नारे बोल दो और कुछ दोस्त यार हिंदू मुस्लिम कर दो, लोगों को गुमराह करके राज में आ जाओ, ये इनकी नीति रही है। लेकिन हमारे को मौका मिलेगा, जनता इस बार जरूर मौका देगी और इस कदम में हम पूरा प्रयास करेंगे कि किसान खुशहाल कैसे हो, किसान समृद्ध कैसे हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, राजस्थान के अंदर नए उद्योग कैसे लगे। और राजस्थान के अंदर सम्मान्य भैरव सिंह जी ने 75 के अंदर एक प्लान बनाया था कि अपने इधर बाड़मेर के अंदर कच्छ के रण में एक पोर्ट बनाने का, अगर वो पोर्ट बन जाता तो आज बाड़मेर का राजस्थान का दृश्य कुछ अलग होता, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी राजस्थान को मिलती और राजस्थान के बांका शहर के अंदर पोर्ट बनने से या कई उद्योग धंधे लगते। अगर जैसलमेर से बाड़मेर होते भाभर गुजरात रेल लाइन से जुड़ता तो राजस्थान बाड़मेर का मरुस्थल का डेवलपमेंट होता, नए उद्योग धंधे लगते, नई फैक्ट्रियां लगती। अब बड़ी बड़ी कंपनियां बेंगलोर में क्यों जा रही है, चेन्नई में क्यों जा रही है, वहां सारी फैसिलिटीज, गुजरात में क्यों जा रही है? तो वो फैसिलिटियां अगर यहाँ मिले, यहाँ मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, लोगों के अंदर हुनर है, लेकिन यहाँ फैसिलिटी की कमी है, उन सारी कमियों को पूरा करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। आपने राजस्थान 24 में बात की, अखबार बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।